टेंशन और बढ़ते बवाल के बीच सोमवार 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर धावा बोला, जिसके बाद हालात को बिगड़ता देख शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश से पीएम शेख हसीना आर्मी हेलीकॉप्टर से निकलती भी दिखाई दी। इस दौरान उनका वीडियो भी सामने आया। शेख हसीना बांग्लादेश से उड़ान भरकर सीधा भारत पहुंची। शेख हसीना का हेलीकॉप्टर सीधा गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां उन्हें सेफ हाउस में रखा गया। यहां एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की और फिलहाल वो इसी सेफ हाउस में है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद शेख हसीना भारत पहुंची और भारत सरकार ने इस मुश्किल वक्त में शेख हसीना की मदद की। यहां भारत सरकार की ओर से एनएसए अजीत डोभाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, इसके बाद पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर एक हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्हें बांग्लादेश में सामने आ रहे हालात के बारे में जानकारी दी गई। कैबिनेट समिति की इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका मौजूद थे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की हाई लेवल बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को भारत आई शेख हसीना को लेकर जानकारी दी। इस दौरान डोभाल ने शेख हसीना के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी। वहीं ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि इस बैठक में बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात और वहां पर जारी लगातार हिंसा की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई है। फिलहाल सबकी नजरें भारत सरकार के अगले एक्शन पर है। भारत ऐसे समय में आगे क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के एक सेफ हाउस में सुरक्षित हैं। शेख हसीना की सुरक्षा यहां काफी चाक चौबंद कर रखी है और कहा यह भी जा रहा है कि वो काफी समय तक यहां नहीं रहेंगी। फिलहाल भी हम हिंडन एयरबेस के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिगेटिंग कर दी गई है यहाँ पे और साफ तौर पर जो रस्ते की मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा सीमित कर दी गई है, लेकिन दो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अंदर पहुंची हैं। हालांकि दो लग्जरियस गाड़ियां थी, लेकिन साफ तौर पर जानकारी ये है कि दोनों ही गाड़ियां खाली थी। तो ये हो सकता है कि अब अंदर से शायद कुछ लोग बाहर आए और इसीलिए ये गाड़ियां अंदर भेजी गई हैं। साफ तौर पर शेख हसीना लगातार अंदर ही हैं और इसीलिए उनके मूवमेंट को लेकर संजीदगी बनी हुई है, जिसको लेकर आधिकारिक तौर पर उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि उनके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनके शरणार्थी होने की जो रिक्वेस्ट है वो अभी भी कई जगहों पर रुकी हुई है। और इसीलिए फिलहाल के अभी तक की मूवमेंट ये है कि कल हमने देखा था कि एनएसए चीफ जो है अजीत डोभाल वो भी अंदर मौजूद थे जब शेख हसीना इंडिया में लैंड हुई थी, दिल्ली में पहुंची थी और साफ तौर पर एक घंटे की इनके बीच में मुलाकात हुई थी। और अब इस पूरी चीज को लेकर प्लानिंग हो रही है कि अगर हसीना भारत में रुक जाती है कई अन्य दिनों के लिए तो किस तरीके के आगे मूवमेंट या रेपरकशंस जो है वो भारत को देखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल की जानकारी ये है कि दो खाली गाड़ियां अंदर भीतर जरूर गई हैं। अब उनमें से बाहर कौन आता है या वो क्या दस्तावेज लेके गई है अपने साथ, ये अहम होगा। देखिए, साफ तौर पर उनकी पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ना सिर्फ अकेले शेख हसीना बल्कि उनके साथ आए हुए जो उनके परिवार के लोग हैं या कुछ सीमित अधिकारी थे वो भी हिंडन के अंदर ही मौजूद हैं। तस्वीर आपको आमिल दिखाएंगे कि हम अभी भी हिंडन एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर से ही लगातार जो कोशिश है शेख हसीना द्वारा वो जारी है कि किस तरीके से वो शरण ले सके यूके के अंदर, लेकिन साफ तौर पर अभी उसमें क्लैरिटी आने में या क्लियरेंस आने में काफी समय जाएगा। और इसीलिए शेख हसीना को जब तक शरण नहीं मिल जाती है किसी अन्य देश से तब तक वो भारत में ही रहेंगी। हालांकि भारत के अंदर भी शेख हसीना का बहुत लंबे समय तक रहना एक अलग खतरे का निशान है, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश में फिलहाल रुके हुए हैं, जो फंसे हैं काफी हद तक, उनके ऊपर भी हमले हो सकते हैं यदि शेख हसीना भारत में लंबे समय तक रहती हैं। और इसीलिए जल्द से जल्द शेख हसीना को कहीं शरण मिले, और यदि यूके से ये शरण नहीं मिलती है तो किसी अन्य देश के साथ भारत सरकार भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उनके साथ अच्छी है, उनके साथ भी हसीना शेख को वहां पर शरण देने की कोशिश भी कर सकता है। और इसी सारे प्रोटोकॉल्स की जो बातचीत है ये विदेश मंत्री द्वारा आज सभी सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित नेताओं को, मंत्रियों को और विपक्ष के नेताओं को बताई जाएगी। लेकिन बात अगर बांग्लादेश की जाए तो वहां पर आज नई इंटरिम सरकार बन सकती है।
बांग्लादेश इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां तख्ता पलट के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। वहीं शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची। NSC अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची थी, तब भारत को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। शेख हसीना उस वक्त अपना देश छोड़ रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने हर संभावना के लिए तैयारी की, क्योंकि हसीना वायुसेना के एक जेट विमान से भारत की ओर बढ़ रही थी। दोपहर करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के रडार ने बांग्लादेश से भारतीय सीमा की ओर एक कम उड़ान वाला विमान आते हुए देखा। शेख हसीना को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायुसेना बेस से 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल लड़ाकू विमानों को बिहार और झारखंड के ऊपर तैनात किया गया। विमान ने अपने तय किए गए रास्ते पर उड़ान भरी। वहीं जमीन पर मौजूद एजेंसियों ने लगातार नजर रखी। विमान और भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना रहा। जब शाम करीब 5:30 बजे हसीना का जहाज हिंडन एयरबेस पर उतरा, तो उनका स्वागत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। यहां सेना की मदद से उनको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। शेख हसीना अभी कहां रुकी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शेख हसीना और अजीत डोभाल दोनों ने 1 घंटे तक बैठक की, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात और हसीना के आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को जानकारी दी। उधर बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया। विमान में हसीना मौजूद नहीं थी। खबर है कि वो भारत से लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हुए बवाल में करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। शेख हसीना दुनिया में किसी भी देश पर सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली महिला हैं। मुश्किल हालातों में बांग्लादेश छोड़ने के बाद वो लंदन जाने पर विचार कर रही हैं। दरअसल उनके रिश्तेदार लंदन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में रहते हैं। शेख हसीना को जब तक किसी और देश में शरण नहीं मिलती, वो तब तक भारत में ही रह सकती हैं।